नमस्कार सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावी माहौल है। इस दौरान नेताओं की आ रही तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। कोई नींबू की माला पहन रहा है, कोई चाय की टपरी पर चाय बना रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं उन नेताओं और उम्मीदवारों की कुछ खास तस्वीरें जो चुनाव को काफी अनोखे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर गोरखपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रवि किशन ने चुनाव प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने चुनाव प्रचार के बीच एक दुकान पर चाय बनाई, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। विपक्षी ने मोदी जी को चाय वाला बोला था, देखो ये देश आज सत्य बताए, ये भारत या ये ऐसी धरती है, ये सिर्फ गरीब लोग ही, जिसने गरीबी देखी है वही इस भारत को चला सकता है, ये सत्य है। क्योंकि 80% देहात है इस भारत में, तो ये राजकुमार लोग जो हीरा का चम्मच लेके पैदा हुए, जो इटली में पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, वो लोग ये भारत ना देखा दुख ना समझ पाई है। वो यार दर्द जे समझी वह चला पाई, कहे हमारे भारत इतना अद्भुत हो गई, कहे हमारे भारत आज हम ही चाय बनावत है। कारण के हमार मोदी जी में 400 पार और पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी, अरे कोई खोना नहीं चाहेगा मोदी जी, इस देश में आप कोई खोना नहीं चाहेगा। सदियों बाद ऐसे निस्वार्थ संत आए हैं धरती पर, जो हमारे माई बहन खातिर, किसान गरीब गुरबा खातिर, दलित समाज सबके लिए सोचे, कोई खोना नहीं चाहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, पार्वती दूसरी तस्वीर बांसवाड़ा से देखने को मिल रही है, जहां भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत नामांकन दाखिल करने के लिए ऊंट पर सवार होकर पहुंचे। वे हजारों समर्थकों से घिरे हुए थे। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र से हमारे सामने आई है, जहां बुलडाणा लोकसभा सीट से महालोकशाही विकास अघाड़ी के उम्मीदवार असलम शाह चुनाव नामांकन भरने पहुंचे, लेकिन चुनाव अधिकारी ये देखकर हैरान रह गए कि वह 1 रुपए के 10,000 सिक्के लेकर नामांकन भरने आए थे, जिन्हें गिनने में चुनाव कर्मियों के पसीने छूट गए। मैंने आज उम्मीदवारी का फॉर्म भरा हूं और फॉर्म की जो फी थी 25,000, उसमें मैंने 10,000 के सिक्के लाया हूं और 15,000 नोटा थे। इस तरह के मैंने फॉर्म भरा हूं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से मैंने फॉर्म भरा हूं। आपके सिक्के जो है तो कलेक्टर साहब ने स्वीकार किए, अभी उसकी गिनती चालू है। और ये सिक्के कहां से लाए थे? ये सिक्के पूरे जिले से मेरे लोगों ने मदद करके दिए, फॉर्म भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था संदा करके। तो देखा आपने कैसे चुनाव नजदीक आते ही नेताजी अपने अलग अलग तरीकों से लोगों के बीच जा रहे हैं। बहरहाल आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।